वागुरु जी का खालसा वागेगुरु जी की फतेह माई नेम इज़ जसदीप कौर एम अ करियर काउंसलर वेलबींग कोच एंड पब्लिक स्पीकर टुडे इज़ मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज़ बाय श्री गुरु अमरदास जी इन राग सोरठ अंग सिस फोर्टी सिक्स ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ 3 ਜਾ ਸੇਖਾ ਚੌਕ ਚਕਿਆ ਚਵਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਇਕਤ ਕਰ ਆਣ ਇਹ ਹੜ ਤੇ ਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਪਛਾਨ ਸਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਟਹ ਪਾਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ सतगुरु के पाने भी चले तरग पावे माण नानक जे नाम न चेतनी तीन तिग पैन तिग खान विच मीनस हे लोग चुकाए मीनस चौ चुकिया चुके चुकाए हे लोग चुके चुकाए अते दूजिया वालों वाजे वांग वजाए हुए होट मीनस चवाया एवें ही बोलन वाले शे ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੜਿ ਤੇੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗੁਰਕਾ ਸਬਦ ਪਛਾਣ ਇਹ ਜੇਖਾ ਜੋ ਸਬਦ ਦੇ ਮੰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਸੰਸਾਰੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਰਉਣਾ ਸਮਝ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਹਿਣਨਾ ਸਭ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾਉ ਥਿਸ ਹੁਗਮਨਾਮਾ ਹੈਜ਼ ਅ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਬ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਪਕਦਾਸੀ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰਿਸਾਈਟਡ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਂਡਰਿੰਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਟਕੇਗਾ उसकी हालत की होएगी वो लॉजिक नहीं समझेगा वो, वो इंपैक्ट ही नहीं समझेगा कि किसी की इंपैक्ट हो रहा है उन्होंने एक्शन का किसी तना माड़ा इंपैक्ट हो रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं बिकॉज द माइंड इज़ वेंडरिंग सो दे आर नॉट एबल टू रीजन आउट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक सो नाउ लेट्स रिलेट दिस विद आर डे टू डे लाइफ सो दैट वी कैन इट टूडे आई शो यू वन पिक्चर ए देखो ए दो तरह का सनैरियो वन इज़ एम आई एन डी एफ यू डबल एल माइंडफुल एंड एम आई एन डी एफ यू एल माइंडफुल सो डजेंट इट सीम लाइक अ मेंटल डायरिया सो व्हाट इज़ फिजिकल डायरिया जो असी कुछ उल्टा सीधा खा लें तो दैट इज़ अ फिजिकल डायरिया वट नेक्स्ट मैटल डायरिया तो कि असे किस तरह का मटीरियल किस तरह का असं स्टफ अपने अंदर कंज्यूम कर रहे कि देख हैं, हैं, ने ने हैं उस, रहे हैं कि सुन रहे किस तरह के लोगों की संगत कर रहे उस उस हिसाब ना ही थॉट्स इमोशन सब इधर उधर होते हैं तो बचपन में आई थिंक इट हैपन विद ऑल ऑफ अस कई बार असं क्लास बैठे हों टीचर यूज टू से यूआर फिजिकली हेयर मेंटली समवेयर एल्स दैट मीन्स टीचर ऑल्सो यूज टू कैचस कि अस, साडा माइंड किधरे वेंडर वेंडर uh, कर रहा है लाइक वी ना वी वी आर वेंडरिंग योर एंड देयर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फिजिकली वी आर सिटिंग देयर सो दिस हुक्मनामा इज़ अ ब्यूटीफुल डिस्टिंक्शन ऑफ हाउ टू ब्रिंग बैक योर माइंड हाउ टू एक्चुअली डोंट गो आफ्टर योर माइंड बट मेक माइंड वर्क फॉर यू हूं अस किस तरह कर सकते हैं सी दिस इज़ अ मशीनरी अगर तुम सोचो कि मेडिटेशन, व्हाट इज़ मेडिटेशन मीन मेडिटेशन नीज जस्ट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। मेडिटेशन का मतलब यह नहीं होंगे कि थोड़ा माइंड एकदम फ्रीज हो जाएगा वो थॉट्स तो आते ही रहने दैट इज अ मशीनरी तुम कि अपने अपने हार्ट की फंक्शनिंग बंद कर लोगे नहीं कर सकते जो तक जीवन चलेगा लिवर फंक्शनस किडनी फंक्शनस सिमिलरली यू कॉन्ट स्टॉप योर माइंड हाँ यह अपने वालों कर सकते हो कि वट काइंडफ स्टफ़ यू आर कंज्यूमिंग आर यू कंज्यूमिंग द राइट स्टफ़ आर यू वॉचिंग गुड थिंगज ऑन टी वी किस तरह के लोगों न मिल रहे हो किस तरह का स्टफ तीस रीड कर रहे हो किस तरह की इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो उस थोड़े माइंड पर बहुत इंपैक्ट हूँ बट यू कॉन्ट स्टॉप द थॉट्स एंड इमोशनसुक ऑटोमेटिकली आंदते रहन गए वट यू सी व्ट यू ऑब्जर्व सो यू सिंपली कान स्टॉप योर माइंड स्टॉप योर थाट्स स्टॉप योर इमोशंस बट डेफिनेटली यू कैन ऑर्गेनाइज इट ऑर्गेनाइज इन द सेंस दैट यू कैन फोकस ऑन योर गोल कि मेरा ए गोल है दिस इज़ माई फोकस लेट द थॉट्स एंड इमोशन्म यह मशीनरी है चलती रहेगी लैट मी टेक एन एक्शन ऑन माई गोल दिस थिंग यू कैन डेफिनेटली डू ना फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन द रूम ऑफ द होटल तुम बड़े पीसफुल हो बड़ा लगजूरियस रूम है तुम आराम न उत्थे बैठे हो नीचे देखते दे हो बड़ा सारा ट्रैफिक है यू सी ओ ट्रैफिक ट्रैफिक इज गोइंग ऑन दैट्स आ मे यू आर एट पीस बिकॉज यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट ट्रैफिक हम समझो कि तुम भी ट्रैफिक अपनी ग्डी ड्राइव uh, कर रहे हो ਦੈਨ ਹਾਊ ਇਟ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬਟ ਦ ਹੋਲ ਲੋਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਥੌਟਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ So that is a whole lot of training. You have to train your mind. You have to train yourself that you focus karo, theek chiza focus karo, zindagi vid jo chiz important focus karo, and let these thoughts, emotions come. Don't bother much about them. Then you can make your mind work for you. Then mind is an excellent instrument for you. एंड दैट इज़ वेयर द मेरेकल हैपन्स बट एक किस तरह है रब नाद करके उस परमात्मा याद करके मेडिटेन प्रेयरस दे प्ले अवूज रोल दैन वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट वी आर इन दिस वर्ल्ड फॉर अ वेरी लिटिल टाइम वी नैवर नो कि साढ़ा कि टाइम है दैन वाई नॉट टू focus on the important things that are important to us why not to focus on the contribution why not to focus on supporting people around us why not to focus on being there and above all why not to focus on understanding ourselves who we are so adjust is the practice karo train your mind don't bother about थॉट्स एंड इमोशन् मशीनरी नहीं रोक सकते हो बट डेफीनेटली यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इट एंड फोकस ऑन योर वर्क दिस इज दिस इज़ वेयर आई एम लिविंग यू कि थॉट्स इमोशन् फीलिंग बहुत बॉडर ना करो इन्ह बारे जो ता फोकस है उस चीज़ से एक्शन लो सो so अज इस चीज़ की प्रैक्टिस करो दैन शेयर योर एक्सपीरियंसिज विद मी टेक केयर बी बैलेंस्ड बी हैप्पी वाहगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाह